सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेल गाइज, मुंह के छाले होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मुंह के छाले काफ़ी रीज़न से होते हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मुंह के छाले बारी बारी हो रहे हैं या फिर हुए हैं तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो वेलकम बैक गाइज टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, सबसे पहला जो नंबर है वो है पानी को कम पीना। जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्ट जो अल्सर हैं, जो मुंह के छाले हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती है, उसमें पानी की कमी है, तो फिर उससे आपका जो पीएच लेवल है वो फॉल हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी जो है एसिडिक हो जाती है। अगर बॉडी एसिडिक रहेगी तो आपको मुँह के छाले बार बार होंगे। इस बात को आप एक ईजी एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। आप कभी नोट करना कि आपको जो मुंह के छाले हैं वो गर्मियों में ज़्यादा होंगे, सर्दियों में कम होंगे, क्योंकि गर्मियों में बॉडी का जो पीएच लेवल है वो फॉल हो जाता है, मतलब बॉडी एसिडिक ज़्यादा हो जाती है, और गर्मियों में बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है। ठीक है, तो फिर आप पानी को ज़्यादा पियेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब ये क्या वाला है? ये एक तरह का केमिकल है जो कि माउथ वॉश और टूथपेस्ट में मिलता है। आप कभी नोट करना, जब आपको मुंह के छाले होते हैं तो फिर जब आप ब्रश करते हो तो फिर आपको जलन भी होती है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा साफ़ सफाई रखने के कारण, जो कि आप ब्रशिंग करते हो, तो उससे वो छाले ठीक नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस केमिकल। ठीक है, तो एक बार आप अपने टूथपेस्ट में चेकआउट कर लेना कि आप के टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट है कि नहीं। ये जो केमिकल है ये झाग बनाने के लिए यूज़ होता है और बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए जो टूथपेस्ट कंपनीज हैं वो इस केमिकल का यूज़ करती हैं। और कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम को लेके, तो डेंटिस्ट आपकी हिस्ट्री लेते हैं और फिर आपका टूथपेस्ट ही चेंज कर देते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आप अपने टूथपेस्ट को ही चेंज कीजिए। सो अगर आप सेम टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहते हो तो जब तक आपके माउथ अल्सर ठीक नहीं होते तब तक आप ब्रशिंग को अवॉइड कीजिए या फिर अपना टूथपेस्ट ही चेंज कीजिए। ठीक है, नंबर थ्री, ये कॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेल के मुकाबले में फीमेल्स को माउथ अल्सर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो माउथ अल्सर हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल्स को हर महीने उनका पीरियड साइकिल आता है और जो हॉर्मोन्स है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं, जिसके कारण उनको माउथ अल्सर, मतलब मुँह में छाले ज़्यादा होते हैं। सो हॉर्मोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बारी बारी मुंह में छाले होने का। नंबर फोर, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब ऐसे इमोशन जो आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, और प्रीवियसली मैंने बताया कि हॉर्मोन्स के फ्लैक्चुएशन के कारण भी माउथ अल्सर होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो अगर आपको मुंह में छाले हो रहे हैं, पिंपल आ रहे हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, या फिर आपके जो हेयर हैं वो ग्रे कलर के हो गए हैं, तो आपको इसके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। और अगर आपको फिर इमोशंस रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, तो उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगला जो कॉज है, ये एक टाइप का मिथ है कि लोगों के बीच में, कि अगर आप किसी का जूठा खा लेते हो तो उससे आपको मुंह में छाले हो जाते हैं। ये एक टाइप का मिथ ही है और इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगला कारण है कुछ प्रकार की मेडिसिन, जैसे एंटीबायोटिक्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे एस्पिरिन, या फिर कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे बेटा ब्लॉकर, कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं। आपने कभी देखा होगा और नोट भी किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हम लोग आपको मेडिसिन के साथ में एंटा एसिड एडवाइज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसी मेडिसिन एसिडिटी को प्रोड्यूस करती है। अगर आपको एसिडिटी होगी तो फिर आपको मुंह में छाले हो सकते हैं, इसीलिए एक एंटा एसिड डॉक्टर आपको ज़रूर एडवाइज़ करते हैं। साथ ही अगर आप ज़्यादा मात्रा में सप्लीमेंट्स ले रहे हो, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या फिर एंटीऑक्सीडेंट हो या फिर मल्टीविटामिन ही क्यों ना हो, तो इससे आपको मुंह में छाले हो सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विटामिन सी ज़्यादा ले रहे हो लाइक लिमसी टैबलेट, तो उससे भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर आपकी बॉडी में मल्टी विटामिन की डेफिशिएंसी है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो भी आपको मुंह में छाले कॉज हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 मतलब कि फोलिक एसिड, या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। ठीक है, अगला कारण है कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो हमारे लिए सेंसिटिव होती हैं या फिर वो मुंह के छालों को होने में ट्रिगर करती हैं, लाइक चॉकलेट या फिर खट्टी चीज़ें जैसे फ्रूट्स आप ले लीजिए, जैसे पाइनएप्पल है या फिर बनाना है या फिर अंगूर है, आड़ू है, संतरा है, या फिर लेमन या फिर टमाटर, ऐसी खट्टी चीज़ें मुंह में छालों को कॉज करती हैं। कुछ नट्स, चॉकलेट्स, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ले रहे हो, या फिर आप एसिडिक चीज़ें, या फिर आप फ्राइड चीज़ें ले रहे हो या साल्टी चीज़ें ले रहे हो, तो इन चीज़ों के कारण भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। अगला है जेनेटिक फैक्टर। वेल गाइस, अगर आपकी मोम को, सिस्टर को या आपके फादर को मुंह में छाले होते हैं तो हो सकता है कि आपको भी मुंह में छाले हों। अगला कारण है स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, लाइक अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है या फिर आपको लूज़ मोशन हुए हैं, डायरिया हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या किसी भी अदर इश्यूज़ के कारण, तो भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। वेल, कई लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण पानी की कमी होती है। ठीक है, सेकंड थिंग कि अगर आपके बॉडी में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी है जैसा मैंने आप प्रीवियसली बताया है, सो इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको मुंह में छाले हुए ऐसा नहीं होता है। वेल, अगर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर आपकी जीभ पर एक कोटिंग पैदा हो जाती है जिसके कारण आपके मुंह में छाले डेवलप हो जाते हैं। अगला है जिन पेशेंट्स की दांतों की एजिस काफ़ी शार्प रहती है तो उनको भी माउथ अल्सर हो सकते हैं, सेल्फ बाइट चिक्स या फिर टंग बाइट के कारण उनको भी छाले हो सकते हैं। अगला है जो लोग अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनको भी मुंह में छाले हो सकते हैं। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक डिजीज़ है लाइक क्रॉन डिजीज़ या फिर सीलियक डिजीज़, जिसके कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ कारण थे जिसके कारण आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। वेल, मुंह के छालों पर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है चैनल के ऊपर, जिसमें आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग मुंह के छाले, माउथ अल्सर। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। वेल, वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में, या फिर यूट्यूब पर सर्च करके माउथ अल्सर बाय पासी चैम करके आप सर्च करोगे तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे